दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। क्रिस गेल ने IPL 2018 के 16वें मुकाबले में पंजाब की तरफ से खेलते हुए इस सीजन का पहला शतक लगाया। उन्होंने 63 गेंदों की अपनी पारी के दौरान 11 छक्के और केवल एक चौका लगाया। इस पारी के लिए क्रिस गेल को मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया। पंजाब की टीम इस सीजन में 4 मैच खेल चुकी है। पहले 2 मैचों में प्लेइंग 11 में जगह नहीं पाने के बाद क्रिस गेल को तीसरे मैच में खिलाया गया तो उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। आज हैदराबाद को पहली हार का स्वाद चखाते हुए गेल ने शतक लगाया। 2 मैचों की पारियों की बदौलत क्रिस गेल ऑरेंज कैप पाने से महज 34 रन दूर हैं। विराट कोहली ने 4 मैचों में 201 रन बनाए हैं, जबकि गेल अपनी 2 पारियों की मदद से ही इस सीजन में अब तक 167 रन बना चुके हैं। मैच के बाद गेल ने अपने ही अंदाज में एक बार फिर अपना गुस्सा निकाला। क्रिस गेल ने कहा, मैं अब तक जिस भी फ्रेंचाइजी के साथ खेला हूँ वहाँ मैंने अपना 100% दिया है। बहुत से लोग कहेंगे कि क्रिस गेल को अभी बहुत कुछ साबित करना बाकी है, उसे सिलेक्ट नहीं किया गया। ऑक्शन की शुरुआत में फ्रेंचाइजियों ने उसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं ये कहूंगा कि वीरेंद्र सहवाग ने मुझे अपनी टीम के लिए चुनकर IPL को बचा लिया। गेल ने आगे कहा, ये अच्छी शुरुआत है। वीरू ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर क्रिस गेल हमें इस सीजन में 2 मैच भी जिता दे तो हमारा पैसा वसूल हो जाएगा। मैं इस पर कहना चाहूंगा कि देखें कि इसे आगे अब क्या होता है। ओवरऑल मैं काफी खुश हूं। अब कोलकाता में अगले मुकाबले के लिए जाने का वक्त आ गया है। क्रिस गेल ने कहा, मैं काफी सालों से भारत में खेल रहा हूं। मुझे यहां की कंडीशन के बारे में अच्छे से पता है। ये मोहाली में हमारा आखिरी मैच है। मैं इस पिच को मिस करूंगा। मैं यहां कुछ भी साबित करने नहीं आया हूं। मैं बहुत पहले ही जाए साबित करना था, कर चुका हूं। मैं यहां केवल अपने नाम के साथ कुछ सम्मान जोड़ने के लिए आया हूं। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं उसके साथ एंजॉय करना चाहता हूं। अंत में बस यही कहूंगा कि मेरा नाम कभी मत भूलना। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।